और पवन जी का एक एहसान है मेरे ऊपर, मैं जो जिंदगी भर तो उतार नहीं सकता, उतरेगा ही दिक्कत। बहुत मेहनती इंसान है खेसारी जी। सुबह 5:30 बजे उठ के जिम जाना, मुझे लेके जाना। दिनेश जी के साथ बात करके बहुत मज़ा आता है, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उन्होंने मुझे कई बार कई चीज़ें बोली कि देव आप वैसे इंडस्ट्री में मेरे एक बाप हैं, सबको पता है मेरे एक बाप हैं अवधेश मिश्रा जी। मैं नहीं जानता यार, देखिए मैं कोई बहुत बड़ा एक्टर हूँ नहीं, मैंने जो सीखा है देख के सीखा है, पर मेरे अंदर सीखने की ललक बहुत है। एक्टर की गिनती होती है तो बहुत कम एक्टर गिन के आते हैं कि भैया इसको रखना, इसको रखना, इसको रखना, इसे ढूंढना पड़ता है। हर हर महादेव भैया लोग, हम है धर्म और हमरा जो लिट्टी है ना वो है बहुते गरम। आइए आपको मिलवाते हैं भोजपुरी के एक ऐसे अभिनेता से जो बहुत कम समय में बहुत तेजी से ना बढ़ते ही चले जा रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा स्वागत करिए तालियों की गूंज के साथ देव सिंह साहब का। कैसे है? नमस्कार, धन्यवाद धर्म जी, और बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे बुलाया। और सबसे अच्छी बात बताऊं, बताइए, मेरे छोटे भाई का नाम धर्म है। अच्छा, तो बचपन से धर्म धर्म बोलता आया हूं। हाँ। और आज आप धर्म के साथ बैठ के, क्या बात है, आपका नाम भाई जैसा अनुभव। आपका नाम देव है, आपके भाई का नाम धर्म है, और नाम की बात हो ही रही है तो आपको भोजपुरी का जो है प्रभास भी कहा जाने लग गया है, और देव देवगन भी कहा जाने लगा है, क्योंकि अजय देवगन की तरह आपकी आंखें हैं ऐसा लोग कहते हैं। और हाल ही में जो है अरविंद अकेला कल्लू ने आपको जो है भोजपुरी का नवाजुद्दीन सिद्दीकी नाम से भी संवारा है। देखिये ये सब उनका प्रेम है, प्यार है, उनका बड़प्पन है। एक्चुअली देखिये मैं ना प्रभास हूँ, ना देव देवगन हूँ, ना मैं नवाजुद्दीन हूँ, इनके इनके जैसा तो मैं अभी हूँ ही नहीं। ये है, इनको देख के कई लोग इंस्पायर होते हैं, कोई कुछ उनकी तरह बनना चाहते हैं, बट उनकी जो जगह है वो हम नहीं ले सकते। लेकिन ये प्यार है उन लोगों का। कल्लू जी के साथ मैंने काफ़ी सिनेमा किया है, तो कभी कभार कुछ एक्सप्रेशन हो सकता है ऐसा कुछ, या मेरे डिलीवरी को देख के उनको लगता हो कि अब भैया आपको देखता हूँ तो उनकी तरह ध्यान में आता है। कई मेरे मित्र हैं जो मेरा नाम ही देव देवगन रख दिए हैं, समर जी हमारे, कि जब भी देखता हूँ देव देवगन है। अभी मैं नेपाल में जस्ट शूट करके आया हूँ, चंद्रपन जी डायरेक्टर हैं फिल्म के, और वहाँ पे जब मैं शॉट दे रहा था तो एक शॉट था वैसे कुछ, तो वो लोग मुझे बोले भैया तुम प्रभास दाई, तुम प्रभास दिखता है, प्रभास दीक्ष। तो मैं बोला नहीं नहीं, मैं प्रभास नहीं, मैं देव सिंह हूँ। दीक्षा 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 तो ऐसा है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग देव सिंह के नाम से ही जाने तो ज्यादा अच्छा है। नहीं नहीं, बेहतर होगा। और आपसे भैया बहुत सारी बातें होते करने, लेकिन उससे पहले लिट्टी खा ली, जादुई लिट्टी है। और आपको एक बात बताऊं, लिट्टी मैं खुद बनाता भी, मुझे बनाना आता है, और मैंने बहुत मेहनत किया है मैं, लेकिन थोड़ा सा खाऊंगा क्योंकि खाना खा के आया हूँ आपके पास। अच्छा, घर का लग रहा है लिट्टी, ये घर से ही बनवाए हैं, अपने हाथों से बनवाते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी है। तो ये लिट्टी का एक ना बहुत बढ़िया ये भी है कि इसको खाने के बाद है ना अजीब सी अंदर चहल पहल होती है, और बहुत सारी भड़ास जो है। देखिए जब लिट्टी दिखता है ना और साथ में चोखा, तो डाइटिंग गई घर लेने, तेल लेने, ले लो जितना खाना हो। और मुझे लिट्टी से बड़ा एक होता है, मेरी माता जी बहुत अच्छी लिट्टी बनाती थी, अब नहीं है, हमारे बाबूजी भी बहुत अच्छा बनाते थे। जब मैं जाता था तो बाबूजी स्पेशली मेरे लिए इतने बड़े बड़ी लिट्टियाँ बनाते थे कि ताकि खाओ, तो क्योंकि मैं ज़्यादा खाता था उसको, बाकी सब नहीं, तो दो की जगह पर 4 खा लेता था। तो लिट्टी चोखा और मम्मी हमारी आरा की, बाबूजी हमारे बलिया के हैं, तो दोनों जगह फेमस है लिट्टी चोखा, तो बचपन से खाते आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए कि आपका जो हम पिछला इतिहास देख रहे हैं भोजपुरी फिल्मों में, तमाम हीरो के साथ आप काम कर रहे हैं बढ़िया, पवन सिंह के साथ आपको काम करते हैं हम नहीं देखते हैं कभी, पवन सिंह के साथ में जो है काहे नहीं आप काम करते हैं, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए मैं पवन जी के बारे में बात बताऊँ, पवन जी बहुत अच्छे इंसान हैं, और पवन जी का एक एहसान है मेरे ऊपर, मैं जो जिंदगी भर तो उतार नहीं सकता, उतरेगा ही दिक्कत। मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था तेरे जैसा यार का, उस समय मैं शूट पे ही था, मेरे बाबूजी गुजर गए सेट पे की बात, मैं रोने वोने लगा, तो पवन जी मेरे पास मुझे 25,000 रुपये भी दिए थे और मेरी फ्लाइट की टिकट भी कराई थी बिना बोले, मैंने उनसे मांगा नहीं था। उनके बदले में जब मैं उनको पैसे देने गया तो मुझे बोले कि आसान उतरवत, हम तारा इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्यार करनी, तू हमारे भाई हो, और आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे गाँव जाने पर जब तक 13वीं नहीं होगी थी बाबू जी को, वो आदमी इंसान रोज़ मुझे फ़ोन करते थे, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा भेज दी। मेरे अंदर एक चीज़ है कि मेरे बाबूजी ने मुझे 3 चीज़ें बड़ी अच्छी सिखाई थी, मतलब मैं बहुत स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे थे, तो मैंने ये सीखा था कि एक तो झूठ नहीं बोलना है, कर्जा किसी से नहीं लेना है, और बिल्कुल ईमानदारी और मेहनत से काम करना है। तो मैं किसी से पूरी आप पूरे बॉम्बे में ही पता करेंगे तो मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ जो मुझे किसी से पैसा लेना हो, मतलब देना हो, लेना होगा देना नहीं है। तो पवन जी को मैंने बोला भैया पैसा लीजिए, बोले तो हमारा ऐसा उतर हुआ। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, एक फिल्म मुझे दिलाई पवन राजा, पवन राजा साइन करने के लिए उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म है, तो मैंने कहा मैं पैसे नहीं लूँगा, पूछ लीजिएगा पवन जी से। तो बोले अरे ना ले तो खाइबा का, हम कहें भैया आप इतना बड़ा एहसान के लिए बनी कर कहा हम काम कर, नहीं नहीं
मैंने वो फिल्म कर ली सर, और आप बिलीव नहीं करेंगे उस पूरी फिल्म के वजह से मैंने दो फिल्में छोड़ी सिर्फ इसलिए कि पवन सिंह जी का एहसान है मेरे ऊपर। और उस पूरी फिल्म के लिए मुझे 26,000 रुपये मिले, 11,000 साइनिंग मिला था और 15,000 रुपये मेरी शादी पे प्रोड्यूसर जी ने दिया था। लेकिन मैं ये पवन जी को बोलने नहीं गया कि भैया मेरे ये प्रॉब्लम है, अच्छा है उन जो भी उनके पास लोग हैं जो सलाह दे रहे हैं या कुछ समझा रहे, पता नहीं क्या है। बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो पवन जी ने मुझे बोला कि मैं बड़ा नाराज़ हूँ तुमसे किसी बात पे। एक्चुअली हुआ क्या था कि पता नहीं क्या ये सब कैसे होता है समझ में नहीं आता, तो मैं किसी के घर पे गया था, उनके बच्चे की चोट लग गई थी, उनको देखने गया था, तो फेसबुक पे उन्होंने देखा, बोला तुम यहाँ गए थे। तो मैं ये नहीं कहता, मेरे कहने का मतलब है अगर आप मुझे भाई मान, किसके बच्चे को चोट लगी थी? खेसारी जी के बच्ची को चोट लगी थी, वो देखने गए थे हम लोग। तो ये सब चीज़ें पता नहीं कौन दिमाग में डालता है, कैसे होता है सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए क्यों होता है। अब पवन जी के बाद मैंने उसके बाद मैंने कोई फिल्म नहीं की पवन राजा के बाद, अब क्यों नहीं किए मैं अच्छा काम। उनको उनका उनका ऑफर आता है आपको कॉल उन करता है? नहीं नहीं अभी तक तो नहीं आया, उस फिल्म का बात तो नहीं आया ना, मुझे किसी प्रोड्यूसर ने उनको फ़ोन किया कि आपको काम। खेसारी की जी के साथ में, खेसारी लाल यादव जी के साथ में आपके अच्छे संबंध हैं? जी जी संबंध, आप काम करते हैं जैसे मैं अभी आपके साथ हूँ, तो हमारे संबंध तो बुरे हैं नहीं ना, हमारे संबंध अच्छे। और बहुत मेहनती इंसान है खेसारी जी, सुबह 5:30 बजे उठ के जिम जाना, मुझे लेके जाना है। मैंने उनके साथ काम किया, मैंने उनके साथ सेहरा बांध का आऊँगा शुरुआत की, मैं सेहरा बांध का आऊँगा, राजा जानी डमरू, मेरी जंग मेरा फैसला, सब काम किया। उन्होंने मुझे बोला कि देव आप एक बार, मैंने बोला भैया मुझे थोड़ा कहीं देखिएगा मेरे लिए भी काम, बोला कि तुम सरस्वती पुत्र हो, तुमको किसी की जरूरत नहीं, तुम्हारे अंदर टैलेंट है कि तुम निकल जाओगे, खुद ही चले जाओगे, तो मेहनत कर रहे हो करते हो, तुम मेहनती लड़के हो। मुझे मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं अब क्या बोलूँ, सबके साथ तो काम कर लिया, अब उनको अगर ये कहना पड़ेगा भैया मुझे काम दीजिए मेरे लायक रोल है तो अभी है, अभी खेसारी जी के जो है ग्रुप से आपको ऑफर ऑफर आते रहते हैं फिल्मों के? अभी मैंने लास्ट फिल्म जो उनके साथ की थी मेरी जंग मेरा फैसला, उसके बाद से कोई फिल्म नहीं की ना मुझे कोई ऑफर आया। अच्छा, तो ऑफर आएगा तो काम करूँगा। अच्छा, अगर आगे बढ़ते हैं दिनेश लाल यादव ढहुआ की टीम से बात करें तो कितने अच्छे संबंध हैं आपकी उनकी टीम से? बहुत 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 अच्छे संबंध है, दिनेश जी बहुत ही समझदार इंसान है और बहुत इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं, इतने अच्छी सोच वाले हैं। अभी मैं जस्ट 2 दिन पहले ही मिल गया है, हम लोग नेपाल में थे, बॉम्बे से बाहर नेपाल में दिन भर बैठ के मस्ती किए। कौन फिल्म की बात कर रहे हैं आप? अभी मैं जो शूट करने गया था मेरी फिल्म रण फिल्म करने गया था और दिनेश जी वहाँ शूटिंग कर रहे हैं रोमियो राजा की, और हम दोनों हम लोग गए, काफ़ी देर हमारी बातचीत हुई। दिनेश जी के साथ बात करके बहुत मज़ा आता है, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उन्होंने मुझे कई बार कई चीज़ें बोली कि देव आप बहुत अच्छे एक्सप्रेशन देते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप मेहनत करते रहिए। आपका काम भी देते हैं वो फिल्मों का? काम वो कैसे देंगे सरकार, दिनेश जी काम देंगे क्या? यहाँ तो जो चाचा है वही भतीजा है, भोजपुरी में तो हमारी कहानी यही है। अच्छा, तो हम है कि जो हीरो है वही पूरा फिल्मों का कास्ट वही साइन कर लेता है। अब पता नहीं भैया, अगर ऐसा होता तो मुझे तो सब मैं बता दिया, पवन जी से भी मेरा अच्छे संबंध है, खेसारी जी से मुझे अच्छे संबंध है, मेरे दिनेश जी से भी अच्छे संबंध है, तो सब मुझे, मैं तो रोज ही शूटिंग करूँ, इन्हीं के साथ काम करूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, सिर्फ ये 3 जगह थोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री सीमित हो गई है, अरविंद अकेला कल्लू है, प्रदीप पांडे है। देखिए इंडस्ट्री तो सीमित है नहीं, और भी लोग हैं, नए नए लड़के बिजी सब लोग काम कर रहे हैं सब। लेकिन आजकल आपका इनका तो बहुत अच्छा जम रहा है, अरविंद अकेला के साथ में आपकी अच्छी जो है केमिस्ट्री। हाँ, मैंने काफी फिल्में की, बहुत केमिस्ट्री काफी देखी जा रही है, तो काफी फिल्में की उनके साथ। और वो जो है पवन भक्त हैं अरविंद अकेला के, बहुत 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 बहुत, कहीं ना कहीं आप लिंक तो जुड़ा ही है, आपका तार वहां तक पहुंच रहा है। अरे महाराष्ट्र, लेकिन लिंक जुड़ा तो अभी हीरो हीरो को बोलेगा मुझे काम दो, मुझे ऐसे काम चाहिए नहीं कि आप धर्म जी को बोलना पड़ेगा ये काम आप दीजिए। वैसी इंडस्ट्री में मेरे एक बाप है, सबको पता है कि मेरे एक बाप है अवधेश मिश्रा जी, ये अवधेश मिश्रा आपके बाप हैं? सबने बोल रखा है कि मेरे बाप है, तो मेरे बाप हैं भाई। अच्छा, हम भी पढ़े थे गूगल में जो है अवधेश मिश्रा आपके बाप है, बाप है, क्या मतलब है इसका, कैसे बाप? देखिए बड़ी सिंपल सी बात, बड़ी सिंपल सी बात है, मेरे माँ बाप नहीं है, ठीक है, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरी शादी मैंने नहीं की थी, मैंने 2 छोटे भाई की शादी करा दी थी। जब मैं जब अवधेश जी से मेरे जान पहचान हुई और बहुत करीब हुए हम लोग, तो उन्होंने मेरा नेचर देखा और बड़ा वो किया, तो उन्होंने मेरी शादी के लिए ज़िद करना शुरू किया, बोले देव की शादी कराऊंगा मैं पहले। और उन्होंने मुझे उस वक्त एक फिल्म भी करवा दी, मैं सेहरा बांध के आऊँगा सबसे लड़के कि देव ये रोल करेगा। और भैया ने मुझे इसलिए नहीं काम दिलाया था कि मैं भैया को बोला था भैया काम दिलाए, भैया ने मेरी एक फिल्म देखी थी और नो डाउट उनको मैं उतनी ही इज्जत करता हूँ जितना मैं अपने बाप की इज्जत करता हूँ। और इसमें आपके कैमरे में मैं आपके यहाँ कह सकता हूँ, हाँ मैं उनको अपने बाप का दर्जा देता हूँ, वो अच्छा करते हो खुशी होती है, वो गलत करते मुझे दुख होता है, हर चीज़ों का। अरे भाई हर 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 जो है कलाकार जो होता है, जो शख्सियत होता है, उसके पीछे देखिए मैं बिल्कुल करेक्टर आर्टिस्ट था, पीछे खड़ा रहता था,
मेरी क्या थी, जैसे पीछे खड़ा डायलॉग मिला, बोला नहीं बोला। अवधेश जी ने वो फिल्म देखी, एक फिल्म का नाम था सैया बकलोल, आप सब भी फिल्म देखिएगा, बहुत कमाल की फिल्म है, 1.5 घंटे की फिल्म है, मैं उसमें मेन हीरो था। जब भैया ने वो फिल्म देखी तो बोले कि तुम देव एक्टर हो, तुम अच्छे रोल करो। तो मैं कहा अच्छा रोल देता कौन है, तो उन्होंने मुझे मैं सेहरा बांध के आऊँगा फिल्म दिलाई, और सबसे लड़ के दिलाई जी। उसमें कई बड़ी चीज़ें हुई कि उसको क्यों दिया जा रहा है, इसको दो उसको दो, इसलिए वो इस चीज़ पर इस वजह से कई लोग नाराज़ भी हो गए। आप बिलीव नहीं करेंगे भैया, जब नवरंग में हम लोग फिल्म देख रहे थे तो अवधेश जी जब इंटरवल का पॉइंट है, सबसे पहले खड़े होकर चिल्लाए, बोले जियो मेरा देव। वो इसलिए नहीं कह रहे थे कि मैं, वो मुझे प्यार करते, उसलिए उन्होंने जिस काम के लिए मुझे बोला था शायद मैं उस पर खरा उतरा उनकी नज़र में, कि नहीं इसने इस रोल के साथ जज किया है। तो मैं उसके बाद उन्होंने मेरी शादी की जिद की कि अब तुम्हारी शादी करा देनी, और उन्होंने शादी मेरे घर पे फ़ोन किया, मेरे उस पर किया, और लड़की देखने तक गए। बिलीव करेंगे शादी का सब करके तय कि ये है, इतने तारीख को शादी करनी है, ये करनी है, अभी करनी है, कपड़े तक का, उसके बाद जैसे एक बाप स्वागत करता है स्वागताकांक्षी करके ना, उस तरह अवधेश जी खड़े थे शादी में। आप वीडियो देखो। बिल्कुल भैया, अभी कुछ देर पहले ही हम एक सोशल मीडिया पे तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हुई थी, वो हम देखे थे। उसमें जो है जितने भी विलन है अवधेश भैया सब आपके घर में गए हैं, आपको बधाई देने इस बात से कि आप पापा बन गए हैं। हाँ, सब लोग आया था, और शादी में भी बेटा, सब लोग बेटा, बेटा हुआ है, बेटी हुई है, बताइए अपने फैंस। बेटा हुआ है और उसका नाम मैंने देवांश रखा है, देवकांश है, देवांश हुआ। क्या बात है, देव धर्म देवांश पूरा परिवार जो है। और मेरे जो अवधेश जी हैं उन्होंने उनका, उनकी जो हमारी भाभी माँ, जिनको मेरी वाइफ भी भाभी माँ कहती हैं, उनका नाम युवराज रखा है, वो कहती है हमारा युवराज है, और युवराज आए हैं, और युवराज स्वागत करिए। तो ये चीज़ें हैं, और आप बिलीव करिए शादी में मेरे भैया ने पूरे बाप की जिम्मेदारी निभाई थी, इसलिए मैं उनको मैं अपने बाप की तरह ही देखता हूँ। और एक अरुण सिंह काका, उन्होंने भाई की बड़ी जिम्मेदारी निभाई, वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। मैं ऐसा हूँ और मैं ऐसा मानता हूँ, मुझे नहीं फ़र्क लगता लोग क्या बोले पीठ पीछे, तो जिनको मैं दिल से मान लिया वो मेरे अपने। चलिए कोई नहीं बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि भोजपुरी तो आपका बहुत बढ़िया चल रहा है, हम देख रहे हैं लगातार, आपके फैंस भी देख रहे हैं, आपके जो चाहने वाले उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। खबर ये है कि बॉलीवुड फिल्म में भी आप जो हैं दिख रहे हैं, और फिल्म का नाम क्रिकेट है। जी जी, क्रिकेट फिल्म के बारे में अगर कुछ बता सकें हमें तो। हाँ, क्रिकेट अभी बस जस्ट रिलीज़ हुई फिल्म, 18 अक्टूबर को रिलीज़ हुई थी ऑल ओवर इंडिया, और उस फिल्म में मेरा कैरेक्टर था शहाबुद्दीन का, जो विकेट कीपर होता है। और फिल्म की कहानी बहुत रियल कहानी है। कृति आज़ाद जी जो एमपी रह चुके हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर है 1983 वर्ल्ड कप के, उस फिल्म के वो फिल्म की कहानी उन्हीं के संघर्ष के ऊपर है कि बिहार क्रिकेट को अभी जाके मान्यता मिली है रणजी खेलने के लिए पिछले साल। उसी की कहानी है कि हमारे पूरे इंडिया में जितने स्टेट हैं सबको खेलने की अनुमति है, लेकिन बिहार को क्यों नहीं है। तो बिहार की क्रिकेट के पीछे जो पॉलिटिक्स हुई, जो राजनीति थी, उसकी कहानी है, जिसमें मैं उस प्लेयर का रोल कर रहा हूँ जिसने कभी ख्वाब देखा था कि वो इंडिया के लिए खेलेगा, और उस पॉलिटिक्स ने उसका करियर चौपट कर दिया और वो ऑटो चलाना शुरू कर देता है। तो ये कहानी है उस फिल्म की, आप सबको देखना, आप सब देखिए, फिल्म बहुत अच्छी बनी है। इसके निर्माता विशाल तिवारी, सोनू झा जी हैं, और इसका डायरेक्टर योगेंद्र सिंह योगी जी, बहुत कमाल के डायरेक्टर है। तो ये सब फिल्म आप जरूर देखिए। भैया देव जी, ऐसा है आपके साथ बात करके बहुत ही मजा आ रहा है, लेकिन समय की कमी के चलते आपको एक आखिरी सवाल के साथ जी हम अलविदा कहना चाहेंगे अपने दोस्तों को। खुश हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से, काम उनसे खुश हैं अपने, कोई मलाल है तो आप रख सकते हैं हमारे। मलाल देखिए, एक एक्टर कभी परिपूर्ण तो हुआ ही नहीं है। मैं काम करता आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ अच्छे रोल करूँ, कमाल का रोल करूँ। मुझ पे लोग एक्सपेरिमेंट करें। देखिए, पैसा मेरी ज़रूरत बहुत कम है सर, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा हाई है भी नहीं करता। मैं तो तब से घर से निकला तो कुछ लेके नहीं निकला था, खाली हाथ आया। आज जो भी है बॉम्बे में सब मेरी एक्टिंग की ही देन है, उसी से कमाया हूँ। तो मेरी ज़रूरत बहुत कम है, लेकिन ये है कि जिस तरह से चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, थोड़ी और अपेक्षाएँ बढ़ती जा रही हैं कि मैं यार इतनी मेहनत करता हूँ तो मुझे और मिलना चाहिए। तो ये तो अपेक्षा कभी ख़त्म होगी नहीं, वो तो चलती रहेगी। लेकिन आज भोजपुरी का जो दौर आ रहा है, मुझे लगता है कि कुछ फिल्में मैं अपनी तरफ से बनाऊं, या आप कोशिश करूँ ऐसी फिल्मों में काम करने के लिए कि जिसको देख के लोग कहें कि नहीं भोजपुरी में भी ऐसी फिल्में बन रही हैं। तो अभी हम लोग इस पर जद्दोजहद में लगे हैं, और मैं कुछ करूँगा ही करूँगा। अब मुझे नहीं लगता कि मैं सिर्फ बंद के रह पाऊंगा। आपको नहीं लगता कि एक चीज़ और आपको काम करना चाहिए, क्योंकि कौन भी भोजपुरी फिल्म जब बनती है तो एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलन होता है, ये तीन लोगों पे पूरा जो है फिल्म चलती है। हीरो अच्छा पैसा ले रहा है, हीरोइन अच्छा पैसा जो है ले रही है, विलन को लेके आपको नहीं लगता एक संगठना बननी चाहिए कि विलनों को भी भैया उतना ही रुपया दें जितना उनकी। अब देखिए, बनना तो बहुत कुछ चाहिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए। मैं लेकिन एक चीज़ कहूँगा, हर आदमी को अपनी अपनी कद्र करनी बहुत ज़रूरी है।
आज सब लोग पैसा ले रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री में है कि फिल्म जो चलती है वो हीरो से चलती है। मैं भी कहता हूँ ठीक है, हीरो से ही चलती है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका एक करेक्टर है ये और इसकी ज़रूरत है आपको सिनेमा में, तो उसकी भी ज़रूरत को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी भी ज़रूरतें हैं, उसकी भी परिवार है, उसका भी घर है, वो कैसे करता है, कैसे रहता है। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा उसको दे देंगे ना, तो वो चार दिमाग लगा के आपकी एक ही फिल्म में दिमाग लगाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और फिल्म भोजपुरी में एक मैं यही बोलूँगा, यहाँ तो सब एक्टर ही भैया, सब लोग नए नए लोग आ रहे एक्टिंग करने। भैया चार फिल्म हम किए हैं भैया, हमको भी मैं नहीं जानता यार, देखिए मैं कोई बहुत बड़ा एक्टर हूँ नहीं, मैंने जो सीखा है देख के सीखा है, पर मेरे अंदर सीखने की ललक बहुत है। मैं किसी ने मुझे लिख दिया कि किसी ने सुना कि संजय जी से मैं कॉम्पिटिशन करता हूँ, सूरज को दिया दिखाना जानते हैं, आपने दिखाया कभी? तो बोलो इतने टैलेंटेड एक्टर है, 14 साल थिएटर किए हुए सत्यदेव दुबे जी के साथ, मैं तो खाली नाम ही सुना हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं इन्हीं को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, कुछ फिल्में देखता हूँ इधर से, लेकिन सीखने की ललक है। मुझे पता कि अगर मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगा तो मुझे क्या बनाना है, मैंने क्या किया क्या नहीं किया है। और फिल्में देखने का बड़ा शौक है मुझे, मैं बहुत फिल्में देखता हूँ, साउथ की, इधर की, उधर की, जो मुझे लगता है देखना चाहिए। नॉलेज जानकारी सिनेमा का बहुत है, बाकी किसी चीज़ में नहीं है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि फिल्में बने, अच्छी बने, हमको भी फ़ख्र हो कि हमने ऐसी फिल्में की हैं, ऐसी फिल्म कर रहा हूँ। और यहाँ तो अब तो कहीं कहीं ये होता है कि भैया इतना बजट है, अब करना तो करिए, तो जब जिद पे बात आती है तो भैया हम भी नहीं कर पाते हैं, चलो ठीक है, कई चीज़ें हैं। तो अरे लोग भी ऐसे ही फंसाते हैं, वो तो इतना कर रहे थे, वो तो इतना कर रहे थे, यार सब ठीक है अपनी जगह पे करता। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे नेपाल चंद्रपंत जी ने मुझे न्यूयॉर्क से फ़ोन किया कि आप मेरी फिल्म में काम करिएगा। तो ये है एक अचीवमेंट, ये भी कह सकते हैं हमारे भोजपुरी में जितने, अगर कभी कभी मैंने सुना कि कुछ अच्छे एक्टरों की गिनती होती है तो बहुत कम एक्टर गिन के आते हैं कि भैया इसको रखना, इसको रखना, इसको रखना, इससे ज़्यादा कोई ढूंढना पड़ता है। आपका नाम शामिल रहता है? देखिए मेरा नाम शामिल हो या मत हो, मेरे को देखिए, मैं जब कुआं खोद के पानी निकालना ही है तो मैं तो कुआं खोदता ही रहूँगा, यहाँ खोदूँ, कहीं खोदूँ, कहीं खोदूँ। अच्छा ठीक है, ऐसा है कि आपके फैन जो है सब बहुत इंतजार कर रहे हैं, एक बढ़िया दमदार कोनो डायलॉग डिलीवरी हो जाए तो उसी के साथ हम इंटरव्यू का जो है समापन। देखिए अभी जो डायलॉग आपके दिल से लगा जी, अभी अभी छलिया में एक डायलॉग बड़ा लोगों को पसंद आया कि है समंदर सीने में तूफान लिए हम जीते हैं, आग ही हम खाते हैं और आग ही हम पीते हैं, उसमें एक डायलॉग था। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आप ऐसे ही हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आगे बढ़ते चले जाएं। और भैया लोग आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि देव जी से अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जवाब आप तक पहुँचा दें। और आप जो हैं हमारा ये जो शो है देखते रहें, लिट्टी चोखा विद सेलिब्रिटी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धर्म जी। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ देव सिंह। और मेरी बातें अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।